प्रिय छात्रों नमस्कार। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में अपन ने अध्याय 17 के अंतर्गत आपको माध्य यानी समांतर माध्य के सूत्र लिखाए समझाए और क्वेश्चन नंबर 17 यानी प्रश्नावली 17.1 में आपको अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए। 5 व 6 भी वही है, सेम औसत है उनका, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आप इनको कर लिया होगा। अब आप देख रहे हैं अध्याय यानी क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार, वर्ग ए यानी सेक्शन ए के 25 छात्रों का औसत भार हो गया 51 किग्राम किलोग्राम, जबकि बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है। इस कक्षा के कुल छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। तो देखें अपन, ये सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार दे रखा है, तो कुल भार निकाल लें अपन, या पहले वर्ग बी के लिख लें। वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है अपन को, 35 छात्रों का औसत भार दे रखा है 54 किग्राम। अब देखिए, वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार, ये जो औसत भार होता है वो प्रति छात्र होता है, यानी एक छात्र का औसतन वजन 51 है, तो 25 का कितना हो गया गुणा 25, ये हो गया 25 से कम 25, या यही गुणा कर लें अपन, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275 किग्रा कुल वजन है, यानी 25 छात्रों का। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार, एक का भार कितना है 54, तो 35 का कितना हो गया अपन गुणा कर लें, 54 गुणा 35 करें, 5 चौके 20, 5 25 और 2 27, 4 3 12, 5 3 15 और 1 16, 0 9 8, 1890 के जी, 1890 किग्राम किलोग्राम। अब देखिए, 25 छात्र सेक्शन ए में हैं और 35 छात्र बी में हैं, तो कुल यानी 25 और 35 कितने हो गए, 60 छात्रों का कुल भार बराबर, इन दोनों को जोड़ लें अपन, 5 9 और 7 16 है, 8 2 10 और 1 11, 1 2 और 1 3 3165
कि गिरा। वो क्या कह रहा है, औसत भार पूछ रहा है, यानी ये 60 छात्रों का वजन है कुल 3165 किलो। अब औसत भार हो गया, राशियों का योग कितना हुआ, 31/65/60। अब 31/65 में अपन 60 का भाग लगा दें, 6 5 30, 1 बचा उतार लिया 6, और 6 2 12 2 12 5 और 4 पॉइंट लगा दिया 0, 6 7 42 0 3 और 6 5 30। तो भाग लगाया तो आ गया 52.75 किग्राम। तो 60 छात्रों का औसत भार हो गया अपना 52.75 केजी। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। देखिए क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 8 है, 5 संख्याओं का औसत बराबर है 18, 5 संख्याओं का औसत है 18। आगे क्या कह रहा है, ये यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत है 18, कुल हो गया 18 × 5 बराबर 90। अब एक संख्या हटाने पर एक संख्या हटाने पर शेष संख्याएं कितनी रह गई, 5 − 1 = 4। शेष संख्याओं का औसत 16 है, तो 4 संख्याओं का औसत बराबर 16, कुल हो गया 16 × 4 बराबर 64। तो अब देखिए जब 5 संख्याएं हैं तो उनका कुल मान कितना आता है 90, और 4 संख्याएं हैं तो उनका कुल मान कितना आता है 64। तो हटाई गई संख्या बराबर 90 − 64, तो ये आ गया अपना 26 आंसर। हटाई गई संख्या क्या हो गई आपकी 26। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब है 9वां क्वेश्चन, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, 13 संख्याओं का माध्य दे रखा है अपन को, 13 संख्याओं का, 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24।
यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? यस, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर औसत भी 3 अधिक हो जाएगा। देखिए, 13 संख्याओं में अपन जोड़ेंगे तो 3-3 प्रत्येक में जोड़ेंगे, 39 जुड़ेगा, 39 में फिर 13 का भाग लगेगा तो कितना बढ़ जाएगा प्रत्येक का औसत? 3 बढ़ जाएगा तो नया माध्य हो गया आपका। क्या पूछ रहा है ये आपसे? तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? तो नया माध्य भी कितना बढ़ जाएगा? 3, तो 24 + 3 = 27। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखिए, ऐसे सवाल आपके आते रहते हैं नो टाइप वगैरह में, ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन नंबर 9 हुआ आपका। अब 10वां सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन, 5 कर्मचारियों का मासिक 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, औसत मासिक वेतन दे रखा अपन को 3400 रुपये, 3000 रुपये औसत दे रखा है। अब क्या कह रहा है? एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ₹3200 हो जाता है। एक कर्मचारी, के सेवा निवृत्त होने पर, शेष कर्मचारी बराबर 5 में से एक कर्मचारी गया तो कितने बचे? 4। तो 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन, 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर ₹3200। अब देखें, अपन को ये दे रखा है। अब 5 कर्मचारियों को कुल कितना मिल रहा है? प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 3000 रुपये मिल रहे हैं औसत, तो 5 कर्मचारियों को कितने मिलेंगे? 5 कर्मचारियों का कुल वेतन, बराबर 3000 × 5 बराबर 15000 रुपये। 4 कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर, औसत कितना है? 32 × 4
बराबर 00 4 2 8 4 3 12। तो सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर 15,000 - 12,800। देखिए 15,000 में से 12,800 से घटाएं तो 2 0 2 बचा और 12 में से 15 में से 12 गया तो 3, 1 हासिल का तो 2। 2,200 रुपये उस कर्मचारी को वेतन मिलता था जिसको हटाया गया है। तो उसका हटाए गए कर्मचारी का वेतन हो गया है 2,200 रुपये। आपकी ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नमाला 17.1 खत्म होती है। अब 17.2 देखें अपन। प्रश्नमाला यानी प्रश्नावली 17.2। सूत्र आपको समझा दिया है मैंने कल ही। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए 17.2 का क्वेश्चन है। इससे पहले लिखा है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये 1 से 4 क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है जिसकी एक्स यानी प्राप्तांक है अपने पास में 3, 5, 8 और 11। इनकी बारंबारता दे रखी है अपन को 2, 4, 5 और 3। तो आपको अपन ने सूत्र लिखाया था जब बारंबारता दे रखी हो तो माध्य यानी x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन या सिग्मा एफ। इधर लिख लेते हैं माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। तो अब देखिए सबसे पहले किसकी जरूरत है अपन को सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ एक्स का मतलब एफ गुणा एक्स करें, 3 × 6 5 × 20 58 40 11 × 33। तो सिग्मा एफ एक्स यानी इनको जोड़ें और सिग्मा एफ यानी एफ को जोड़ें। तो पहले एफ को जोड़ें 4 × 2 6 6 × 5 11 × 3 14। इनको जोड़ें अपन 6 × 3 9 4 × 2 6 × 3 9। मान रख दें यानी सिग्मा एफ एक्स 99 आया है और ये आया है 14। तो यहां पर 99 में अपन भाग लगा लें 14 का। धीरे धीरे लगाइए, जल्दीबाजी नहीं करें। 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84 बचा 5, 1 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी, सॉरी 14 × 7 = 98 बचा 1 पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दी, 0 लगा दी 14 × 7 = 98। तो ये आया है अपना लगभग
7.07 इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 7.07 औसत माध्य यानी माध्य निकल गया 7.7। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, 2 आप कर लेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पॉइंट का है तो x आपको दे रखा है, पॉइंट से आप थोड़े से भयभीत होते हैं, डरे नहीं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 और 0.6 इसकी बारंबारता 30 है, इसकी 60 है, इसकी 20 है, इसकी 40 है, इसकी 10 है और इसकी 50। देखिए बारंबारता दे रखी है तो माध्य का सूत्र हुआ अपना x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आप f गुणा x करें, f गुणा x करने के पश्चात इन सब को जोड़ें तो क्या निकलेगा अपना सिग्मा एफ एक्स। जोड़ें गुणा करें, पहले 30 गुणा 1 करेंगे तो 30 एकम 30। पॉइंटों से ना डरें आप, ये पॉइंट भूल जाएं, 30 एकम 30। अब एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब 60 दुना 120 एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 20 दिया 60, 4 चौके 16 160, 10 पंजे 50 और 6 पंजे 30 यानी 300। तो अब इनको जोड़ें अपन सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, जोड़ें 0000 6 और 3 9 2 11 4 15 और 1 16 और 5 21 210 हो गया। इन सबको जोड़ें, 0 3 2 5 5 और 6 11 11 और 11 22 का 2 का हंसल लगी 2 3 4 5 और 2 7 वही एक के बाद पॉइंट लगा दें, 0 कट गई। तो अब आपका सिग्मा एफ एक्स हो गया 72/210। तो कई बच्चे सोचते हैं सर जी ऊपर की संख्या छोटी नीचे की बड़ी, तो उत्तर भी किस में आना है, पॉइंटों में, क्योंकि इस प्रश्न वाले इनमें जितना भी 17 में उत्तर आएंगे वो एक्स में से आते हैं, यानी पॉइंट 1 से छोटा नहीं होगा और पॉइंट 6 से बड़ा नहीं होगा। तो अपन भाग लगाएं 72 में 210 का, भाग नहीं जा रहा है तो ये तो अपन ने पूर्णांक पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगाने के बाद में 0 हो गई। 21 63 0 9 बचा, फिर 0 लगा ली एक, 21 चौके 84 0 बचा, 6 उतार लिया, 6 बचा, 0 लगा दी, 21 2 42 21 3 63 तो ये हो गया अपना 42। जो भी है अपना पॉइंट 2 तक निकाल लीजिए तो 0.34 इसका औसत यानी माध्य रहा। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही चौथा कर लेंगे, चौथे में 8 9 नहीं है, केवल पॉइंट 8 है। अब
क्वेश्चन नंबर है 5। 5 में भी यही करना है, 6 में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आपको वही f गुना x करना है, गुना करना है, जोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 है, तो अपन को माध्य दे रखा है, यानी x बार बराबर 7.5। अब आगे सारणी दी गई है हमको, जिसमें x दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ये दे रखा है, और f दे रखी है अपन को 6, 8, 15, P, 8 और 4। सूत्र वही होगा अपना माध्य के लिए, तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले अपन एफ गुणा x करें, देखिए 6 3 18, 6 3 18, 8 5 40, 15 7 105। अब यहां देखिए 9p, तो 9p पी की राशि हो गई, इसे अलग ही लिखिए 9p, और 11 8 88 और 13 4 52। तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, और इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ प्राप्त होगा। पहले इसको जोड़ें, 8 6 14 14 15 29, पी अलग जाएगा 29 और 8 37 और 4 41। तो ये हो गया 41 प्लस पी। तो सिग्मा एफ आपको मिला है यूं 41 प्लस पी। अब इसको जोड़ें अपन, तो देखो 9p तो अलग रहेगा, 8 5 13 13 13 13 और 8 21 और 2 23 का 3, हाँ से लगी 2 4 और 1 5, 5 और 8 13 5 18, और हासिल कितनी लगी थी 8 5 13 13 और 10 23 2 2 हासिल लगी है, तो 4 1 5 5 10 18 2 20। तो 1 और 2 303 प्लस 9p, मान रखते हैं। अब देखो x बार दे रखा है आपको 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स हो गया 303 प्लस 9p, और बटे में आ गया आपका 41 प्लस p। वज्रगुणा कर लें, वज्रगुणा करें आप और देखें फटाफट, टाइम हो गया, तो इसको इससे गुणा करें, पहले इसको इससे करें, तो 303 प्लस 9p बराबर 7.5 गुणा 41 कर लें, 75, 5 4 के 20, 7 4 के 28, 2 30, तो 75 और 30, ये हो गया एक के बाद में। तो ये 307.5 प्लस 7.5p, पक्षांतरण कर दें 9p माइनस 7.5p बराबर 307.5। इसमें से बचा कितना, 1.5p बराबर 7.5p, पी बराबर हो गया 7.5 बटे 1.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, 15 5 75
तो P बराबर आपका आ गया 5।